हाँ, ये क्वेश्चन आपका जो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर पूछा गया है, ये यूपीएससी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पीबीटीजी रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड वन यूनियन टेरेटरी। ए स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर पीबीटीजी स्टेटस। देर आर 95 पीबीटीजी ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। इरुला एंड कोंडा रेड्डी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीबीटीजी। तो देखो, ये पीबीटीजी जो 95 नहीं है, ये 75 हैं और इनको देवार कमीशन के द्वारा बनाया गया था। देखो, 1973 में एक देवार कमीशन क्रिएट किया गया था और देवार कमीशन ने सजेस्ट किया था कि एक हम रखेंगे प्राइमिटिव ट्राइबल ग्रुप पीटीजीज, एक सेपरेट कैटेगरी ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर, हु आर लेस डेवलप्ड अमंग द ट्राइबल ग्रुप्स। फिर लेकिन इसका क्या हुआ कि 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको पीटीजी से इसको रीनेम कर दिया पीवीटीजी, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अच्छा, इनकी विशेषता क्या होती है कि ये मोस्टली होमोजीनियस होते हैं विद ए स्मॉल पॉपुलेशन, रिलेटिवली फिजिकली आइसोलेटेड, एब्सेंस ऑफ रिटन लैंग्वेज और स्लोअर रेट ऑफ चेंज होता है। और जो 75 लिस्टेड पीवीटीजीज हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट नंबर हैं वो हाईएस्ट नंबर आपके उड़ीसा में मिलते हैं। यदि इनकी बात करें इरुलर और कोंडा की, तो इरुलर तो मिलते हैं तमिलनाडु और केरला में, इरुलर जो पीवीटीजीज है, और ये पीवीटीजी कोंडा रेड्डी ये ट्राइब है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। तो इरुलर और कोंडा ट्राइब्स आर इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजी, ये तो करेक्ट है। फोर्थ करेक्ट है, यानी कि ए रॉन्ग हो गया। थर्ड इज रॉन्ग क्योंकि टोटल है 75। थर्ड इज रॉन्ग मीन्स दिस ऑल्सो रॉन्ग एंड दिस ऑल्सो रॉन्ग, सो सी इज द करेक्ट आंसर। ये सीएसपी 2019 पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखो, पीबीटीज आर रिसाइड इन 18 स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी, करेक्ट। ए स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीबीटीजी स्टेटस। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पीबीटीजी, देखो, देर आर सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटीज हु हैव डिक्लाइनिंग और स्टेगनेंट पॉपुलेशन, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड आर इकोनॉमिकली बैकवर्ड, दीज आर इंक्लूडेड इन पीबीटीजी। दे जनरली इनहेबिट रिमोट लोकेलिटीज हैविंग पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। दीज ग्रुप्स आर अमंग द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी एज दे आर फ्यू इन नंबर्स, हैव नॉट अटेंड एनी सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 75 सच ग्रुप्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज एट द पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। पहले इनको बोलते हैं पीटीजी और अब बोलते हैं पीबीटीजी। अगर इंडिया में हम ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो ट्राइबल पॉपुलेशन मेक्स अप फॉर 8.6% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, और सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में? उड़ीसा में। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से था, ये देखो, ये भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? देखो, जो कोयला है वो आपका एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स और लिग्नाइट, तीन टाइप का पाया जाता है। उसमें जो पूछा है लिग्नाइट का, तो लिग्नाइट का जो सबसे बड़ा वो है क्षेत्र वो आपका नेवेली है। नेवेली, द लार्जेस्ट लिग्नाइट रिजर्व इन इंडिया इज लोकेटेड एट नेवेली इन तमिलनाडु। अब इसका यहाँ देखते हैं। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट कोल कैन बी क्लासिफाइड इन टू फॉलोइंग थ्री टाइप, तीन टाइप हो सकता है। एक आपका एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स और लिग्नाइट, और एक पीट भी होता है, पीट देखेंगे बाद में। देखो, एंथ्रासाइट इट इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल विद हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू एंड कैरीज 80-95% कार्बन कंटेंट। इट इग्नाइट्स स्लोली विद ए ब्लू फ्लेम एंड फाउंड इन स्मॉल क्वांटिटीज इन जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है, स्मॉल क्वांटिटीज इन एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट इंडिया में उतना नहीं मिलता है। बिटुमिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है इंडिया में। बिटुमिन इट हैज़ ए लो लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट विद 60-80% ऑफ कार्बन कंटेंट एंड हैज़ ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू। झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश हैव डिपॉजिट्स ऑफ बिटुमिन्स। बिटुमिन्स किस किस मिलता है आपका? झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा ये मिलता है। और लिग्नाइट, लिग्नाइट कैरीज 40-55% कार्बन कंटेंट एंड इज ऑफन ब्राउन इन कलर विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, दस गिव्स स्मोक वेन बर्न। राजस्थान, लखीमपुर एंड तमिलनाडु हैज डिपॉजिट्स ऑफ लिग्नाइट। और पीट होता है, पीट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वुड टू कोल, जब लकड़ी से कोयला बनता है विद लो कैलोरीफिक वैल्यू और जिसमें लेस देन 40% कार्बन कंटेंट होता है, उसको पीट बोलते हैं। पीट मतलब सबसे वर्स्ट फॉर्म है कोयले की, और सबसे अच्छी फॉर्म है आपका एंथ्रासाइट जिसमें 95% तक कार्बन होता है, जो इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलता है।
अच्छा विश्व में, अच्छा भारत के जो 5 राज्य हैं टॉप 5 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ कोल रिजर्व, तो कोल रिजर्व सबसे ज़्यादा आपका झारखंड में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर वेस्ट बंगाल में, मध्य प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा जो कोल मिलता है वो आपका उड़ीसा में मिलता है, और वो मिलता है झारखंड में मिलता है, और वे मिलता है विटामिन क्वालिटी का। अगर विश्व में हम बिगेस्ट कोल रिजर्व की बात करें तो बिगेस्ट कोल रिजर्व है आपका USA, फिर रसिया, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, फिर इंडिया। तो कोल रिजर्व के मामले में इंडिया 5वें स्थान पर आता है और USA पहले स्थान पर आता है। यदि हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर की बात करें तो चाइना इज़ वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द कोल। फिर उसके बाद इंडिया का नंबर आता है, इंडिया दूसरे नंबर पर, इंडिया इज़ द सेकंड बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसर कंज्यूमर, और थर्ड पर आता है आपका USA। USA इज़ द थर्ड बिगेस्ट कोल प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन द वर्ल्ड। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? दामोदर नदी आपका हुगली नदी की सहायक नदी है। देखो जैसे ये हुगली नदी है, ये फरक्का से क्या होता है, गंगा दो पार्ट में बट जाती है, एक बांग्लादेश में चली जाती है जिसे पद्मा के नाम से जानते हैं, और एक इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी हुगली है। हुगली में आके ये दामोदर मिलती है। अच्छा अब पूछा है कि इस दामोदर की कौन कौन सी सहायक नदी है, तो देखो बराकर दामोदर की सहायक नदी है, जमुनिया भी सहायक नदी है, बारकी भी सहायक नदी है। अच्छा ये जो हुगली है ना, इसकी एक तो दामोदर है और एक अजय है, ये दो उसकी हुगली की सहायक नदी है। तो दामोदर की बराकर भी है, जमुनिया भी है, और बारकी भी है। इंद्रावती दामोदर की सहायक नदी नहीं है, इंद्रावती आपका गोदावरी की सहायक नदी है। देखो इंद्रावती रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, इट राइजेज इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा ऑन दी वेस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट। जो इंद्रावती रिवर है वो उड़ीसा राज्य के कालाहांडी जिले से ओरिजिनेट करती है और गोदावरी की सहायक नदी है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन होगा। अच्छा यदि हम इसकी गोदावरी की बात करें तो गोदावरी इज इंडिया सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर आफ्टर गंगा। भारत में जो सबसे लंबी नदी है वो है गंगा, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, जबकि दूसरे नंबर पर जो भारत में जो सबसे लंबाई वो है आपकी गोदावरी रिवर, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, जिसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं, बूढ़ी गंगा के नाम से। और ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी के बाद कृष्णा आती है। अच्छा गोदावरी नदी जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इट सोर्सेज फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, इट फ्लोज ईस्ट फॉर 1465 किलोमीटर, और ड्रेन किसको करती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। और इसकी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं बाणगंगा, पूर्णा, प्रणहिता, इंद्रावती, तलिपेरू, प्रवना, प्रवरा, मंजीरा, और ये एक इंद्रावती यहाँ है ही। अच्छा दामोदर के बारे में और क्या बात है कि दामोदर इज नोन एज सोरो ऑफ बंगाल बिकॉज ऑफ इट्स रेवेजिंग फ्लड्स इन द प्लेन्स ऑफ वेस्ट बंगाल। दामोदर हुगली नदी की सहायक नदी है, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है। नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से होता है। नदी कुल लंबाई 541 किलोमीटर है, जिसका आधा हिस्सा झारखंड में और आधा हिस्सा पश्चिम बंगाल में। बोरकारो, बराकर, जमुनी और कोनार इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं। अभी मैप पर देखते हैं, देखो ये है आपका हुगली नदी और ये है आपका ये आपकी दामोदर नदी जो हुगली में जाके मिल रही है। अच्छा दामोदर की भी सहायक नदी है कोनार, बराकर, और ये जो अजय है ये है इसकी हुगली नदी की सहायक नदी। अच्छा इसमें यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि द फर्स्ट डैम वाज बिल्ट अक्रॉस द बराकर रिवर एट तिलैया इन 1953। तो जो सबसे पहला जो डैम था, सबसे पहले बांध का निर्माण ये बराकर नदी पर हुआ था, जो आपकी दामोदर की सहायक नदी है। फिर उसके बाद सेकंड वन वाज बिल्ट ऑन कोनार रिवर, फिर ये कोनार रिवर बना था दूसरा बांध। तो सबसे पहला बना था तिलैया बराकर नदी पर, दूसरा बना था कोनार नदी पर 1955 में। एंड टू डैम्स अक्रॉस द रिवर्स बराकर एंड दामोदर वर बिल्ट एट मैथन इन 1957 एंड पंचेत इन 1958। फिर आपका बना है पंचेत बना है और ये मैथन बना है आप इसका बराकर नदी पर 1957, और ये पंचेत बना है इसी पे दामोदर नदी पे 1958 में। तो ये 5 बांध बने हैं, और फिर एक ये ठेनू घाट भी बना था इस पे दामोदर नदी पे। तो ये बांधों के बारे में, तो सबसे पहला बना तिलैया, उसके बाद आता है आपका कोनार रिवर पर, उसके बाद है आपका मैथन, और इसका चौथा है पंचेत। अभी चलते हैं नेक्स्ट, देखो निम्नलिखित कौन सा कथन सही है
भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिल्कुल सही है, तो इसका ए ही सही है। देखो क्रोमाइट के बारे में देखें ना, तो जो हमारा जो 93% क्रोमाइट का रिसोर्स है वो उड़ीसा में ही है, और प्रोड्यूसर की बात करें तो 99% प्रोड्यूस होता है इससे, उड़ीसा से। 93% ऑफ क्रोमाइट रिसोर्सेज आर इन उड़ीसा, उड़ीसा के भी सुकिंडा वैली ऑफ कटक एंड जाजापुर, एंड उड़ीसा इज द सोल प्रोड्यूसर 99% ऑफ द क्रोमाइट ओर। कर्नाटक इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपका उड़ीसा है, तो इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। यदि बात करें चांदी की, देखो चांदी के लिए आपका राजस्थान प्रसिद्ध है, राजस्थान में 87% है। देखो और राजस्थान में भी कौन सा, जवार माइंस, जवार माइंस इन उदयपुर राजस्थान इज द लार्जेस्ट रिवर प्रोड्यूसिंग माइन, लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसिंग माइंस इन कंट्री। सिल्वर डिपॉजिट इंडिया में राजस्थान में है 87%, झारखंड में 5% आंध्र प्रदेश में 4% और कर्नाटका में 2%। एक है बॉक्साइट, बॉक्साइट के बारे में यदि बात करें तो देखो उड़ीसा बॉक्साइट के उसमें नंबर वन है। उड़ीसा अकाउंट 51% ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज ऑफ बॉक्साइट, फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश 16%, गुजरात 9%, झारखंड 6% है, महाराष्ट्र 6%। और बॉक्साइट के बारे में यदि विश्व में बात करें तो उड़ीसा इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट उड़ीसा में होता है यदि विश्व में बात करें, तो इसीलिए आंध्र प्रदेश यहाँ दिया था। ये भी करेक्ट, इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट। और मैगनीज का सबसे बड़ा भंडार, मैगनीज का जो सबसे बड़ा भंडार है वो उड़ीसा ही है, उड़ीसा में ही है आपका। नहीं, मैगनीज का जो सबसे बड़ा भंडार है वो कर्नाटका में, यदि प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर उड़ीसा है। मैगनीज का जो सबसे बड़ा भंडार है वो कर्नाटक में है, लेकिन प्रोड्यूसर के मामले में उड़ीसा है। उड़ीसा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड प्रोड्यूसर ओवर 37% ऑफ मैगनीज ओर इन इंडिया। तो ये हो गया। अच्छा अभी देखते हैं एक और क्वेश्चन, भारत का लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित किस सेल समूह से संबंधित है। जो लौह अयस्क भंडार है वो आपका धारवाड़ समूह से संबंधित है। धारवाड़ तंत्र की संरचना में प्राथमिक अवसादी चट्टानों का विकास हुआ, जो लंबे कालक्रम में उच्च ताप एवं दाब के परिणाम स्वरूप रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो गई। इन चट्टानों में सोना, लोहा, क्रोमियम, तांबा आदि धातु खनिजों का संक्रमण है। अच्छा जो धारवाड़ है, ये धारवाड़, दीज आर ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक्स, इनमें नो फॉसिल्स आर फाउंड, कोई फॉसिल नहीं होते। और जो आयरन ओर सीरीज दैट इज लोकेटेड इन सिंहभूम, मयूरभंज, क्योंझर रेंज, जो आयरन ओर सीरीज है इसमें भी है, सिंहभूम, मयूरभंज और क्योंझर रेंज, क्योंझर रेंज, मयूरभंज, ये सब उड़ीसा के हैं। अच्छा ये जो धारवाड़ सिस्टम है ये आपका, इसमें आपका कर्नाटक के धारवाड़ और बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, और जबकि ये आपका एक्सटेंड करता है नीलगिरी, मदुरई डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु तक भी। ये सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट में छोटा नागपुर प्लेटो, मेघालय प्लेटो में भी पाया जाता है, धारवाड़ मेकेर हिल्स में, अरावली, रियालो, दिल्ली से साउथ अलवर तक भी मिलता है। अच्छा जो धारवाड़ रॉक्स हैं वो बहुत ही मेटेलीफेरस हैं, दे आर रिच इन आयरन ओर, मैगनीज, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, डोलोमाइट, माइका, कॉपर, टंगस्टन, निकल, सब इसमें धारवाड़ में मिल जाते हैं। अच्छा धारवाड़ में कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज भी हैं, जैसे चैम्पियन सीरीज, चंपानेर सीरीज, चिल्पी सीरीज, आयरन ओर सीरीज। जो आयरन ओर सीरीज है वो मिलती है आपकी सिंहभूम, बोनाई, मयूरभंज, क्योंझर, तो ये आयरन ओर सीरीज है। अच्छा ये जो आपके चैम्पियन सीरीज, ये कोलार के लिए, कोलार गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है। जो धारवाड़ियन सिस्टम की चैम्पियन सीरीज है, चैम्पियन सीरीज ये लाई करती है आपका मैसूर से बालासोर तक। इन सीरीज़ में कोलार और रायचूर डिस्ट्रिक्ट भी आते हैं कर्नाटका के, और इनकी गोल्ड माइंस आर वन ऑफ द डीपेस्ट इन द वर्ल्ड, बीइंग मोर देन 3.5 किलोमीटर इन डेप्थ। द गोल्ड कंटेंट इन द सीरीज अबाउट 5.5 ग्राम पर टन ऑफ ओर। चैम्पियन में एक चांपनेर हैं जो अरावली सिस्टम के वडोदरा के आसपास मिलती हैं, इसमें मिलते हैं आपको क्वार्टजाइट, कॉन्ग्लोमरेट, फिलीपींस स्लेट्स, लाइमस्टोन और मार्बल्स मिलते हैं। तो ये सब था, अभी चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्वा वनों की विशेषता है। जो सेल्वा वन होते हैं ये देखो, सेल्वा वन की क्या है डेफिनेशन, ए डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यूजुअली हैविंग ए क्लाउड कवर, स्पेशली वन इन द अमेजन बेसन। अमेजन बेसन में मिलते हैं ये सेल्वा फॉरेस्ट, और अमेजन बेसन रेन फॉरेस्ट इज मॉइस्ट ब्रॉड लीफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन अमेजन बेसन ऑफ साउथ अमेरिका मिलते हैं। और अमेजन बेसन आपका 9 कंट्रीज में पाया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा 58-60% आपका ब्राज़ील में मिलता है। तो ये क्या है, ब्रॉड लीफ, ब्रॉड लीफ मतलब चौड़ी पत्ती वाले, और रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट तो यानी सदाबहार होंगे, तो ये चौड़ी पत्ती सदाबहार।
तो ये आपकी सेल्वा बनोग्रेस है, तो इसका होगा ऑप्शन ए। 35 कहते हैं सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है। 36 क्वेश्चन कहते हैं भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था आपका 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम आपका 1986 में आया और वन अधिनियम आया था आपका 1980 में। देखो ये द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इन्फोर्स इन द ईयर 1986 विद एम टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड मैटर्स एसोसिएट विद इट। तो ये आया था 1984 की भोपाल गैस ट्रेजडी के बाद, और इसका काम है जो 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन हुई थी उसके पर्यावरण नियमों को लागू करना, गवर्नमेंट के द्वारा लागू करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सही घटते क्रम में व्यवस्थित है। देखो जो सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है यदि ओवरऑल देखें यूनियन टेरिटरीज को मिला के देखें तो वो पड़ता है आपका दिल्ली में, 11,000 समथिंग है। जबकि राज्यों में बात करें तो राज्यों में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका बिहार में है। बिहार इज मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट, जिसमें 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल का नंबर, वेस्ट बंगाल में 1028 है। उसके बाद केरला में 860 है। तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उसके बाद उत्तर प्रदेश। और सिर्फ जनसंख्या के मामले में बात करें तो जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा है आपका उत्तर प्रदेश। और यदि हम बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची वन को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। घटना और यौगिक अम्ल वर्षा, देखो जो अम्ल वर्षा होती है एसिड रेन आपका या तो नाइट्रस ऑक्साइड हो या सल्फर के ऑक्साइड हो, या तो H2SO4 बनाए या HNO3 बनाए, सल्फ्यूरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल, तो उसके कारण होती है आपकी अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा के लिए इसके इसमें ऑप्शन बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड, तो ए का हो गया 3। प्रकाश रासायनिक धुंध, इसको बाद में देखते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, तो हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसकी कि ना कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन के बेस से 210 टाइम्स गुना होती है। तो सी का हो जाएगा 2। तो 3, 4, 2, 1। और ओजोन परत के 6 का कारण होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो इसका सी ऑप्शन हो गया। देखो अम्ल वर्षा का सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश रासायनिक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और हीमोग्लोबिन कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन परत का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखो हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन दैट मेक्स ब्लड रेड, कार्बन मोनोऑक्साइड हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन देन ऑक्सीजन एंड मेक्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये बनाता है। अच्छा ये रेड ब्लड सेल्स में पाया जाता है RBC में, RBC जिसका जीवन काल होता है 120 दिन। देखो तीन कंपोनेंट होते हैं इसके ब्लड के, RBC, WBC और ये प्लाज्मा प्लेटलेट्स। अच्छा ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करें, ओजोन परत के क्षय कारण, ओजोन परत का कहाँ मिलती है आपका स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है, और परावैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुँचने से रोकती है। अच्छा जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड हेलोन्स ब्रेक डाउन इंटू क्लोरिन एंड ब्रोमिन विच इन टर्न डिस्ट्रॉय द ओजोन लेयर, जो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है क्लोरिन ब्रोमिन। जो O3 है ये कैसे टूटता है आपका O2+O- में टूटता है, और ओ नेगेटिव आपका क्लोरीन से रिएक्ट करके इसका ओजोन परत का क्षरण कर देता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं माइकोराइजा एक सहजीवी संबंध है, जो माइकोराइजा है ये कवक और पौधों के बीच में मिलता है सहजीवी संबंध, ये कैसे होता है कि देखो माइकोराइजा इज ए नॉन डिसीज प्रोड्यूसिंग एसोसिएशन इन विच द फंगस इन्वेस्ट द रूट टू एब्जर्व न्यूट्रिएंट। माइकोराइजल फंगी एस्टेब्लिश ए माइल्ड फॉर्म ऑफ पैरासिटिज्म दैट इज म्यूचुअलिस्टिक, मींस बोथ द प्लांट्स एंड फंगस बेनिफिट फ्रॉम द एसोसिएशन। कैसे करते हैं, जो है द प्लांट रिलाई ऑन माइकोराइजल फंगी स्पेशली फॉर मिनरल न्यूट्रिएंट। देखो जो पौधे हैं माइकोराइजा की वजह से मिनरल न्यूट्रिएंट जैसे फॉस्फोरस लेते हैं, और इन रिटर्न फंगस रिसीव्स न्यूट्रिएंट फ्रॉम द प्लांट, और प्लांट से जो भी न्यूट्रिएंट फॉर्म होते हैं वो ये फंगस को मिलते हैं। तो एक तरह से कवक और पौधों के बीच में ये सहजीवी का काम करता है माइकोराइजा। अच्छा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिनों के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्मजीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। कुछ विटामिन हार्मोन्स की तरह काम करते हैं, ये भी सही है। देखो
हार्मोन की यदि बात करें तो विटामिन डी अपने आप में हार्मोन है। विटामिन डी इज हार्मोन, द बॉडी सिंथेसाइज इट आफ्टर सन एक्सपोजर एंड इज एक्टिवेटेड बाय द लीवर एंड किडनीज। दैट एक्टिवेशन फ्रॉम अगेन एक्ट्स लाइक ए हार्मोन टू रेगुलेट कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। अच्छा, इसकी बात करें कि कुछ विटामिन शरीर में जमा हो जाते हैं, जैसे विटामिन ए यकृत में जमा हो जाती है। इसका देखें तो विटामिन ए इज स्टोर्ड इन लीवर, दस लीवर सर्व एज ए रिजर्वॉयर और बफर ऑफ विटामिन ए। और एक है कि कुछ विटामिन आंतरिक सूक्ष्म द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं, इसका उदाहरण है विटामिन के, जैसे विटामिन के इज फैट सोल्यूबल विटामिन विच प्लेज वाइटल रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। देर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ विटामिन के, वन सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स, वन सिंथेसाइज्ड बाय एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एंड लार्ज रेंज ऑफ टाइप्स सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। मानव की छोटी आंत के जीवाणुओं के द्वारा सिंथेसाइज की जाती है, और यही पूछा था। तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। विटामिन के जल में घुलनशील है, ये सही नहीं है। विटामिन के वसा में घुलनशील है। विटामिन ए डी ई और के, ये आपका वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी ये आपका जल में घुलनशील होते हैं। देखो, ए होता है रेटिनॉल, बी होता है थायमीन, राइबोफ्लाविन, नाइसिन, बी सी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन सी जिसकी कमी से इसका स्कर्वी रोग हो जाता है, जिससे